अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज का लेक्चर जो है ये थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स मैंने क्योंकि ये छोड़ दिए थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स नहीं कवर करवाए थे कि मुझे था कि ये जो टॉपिक्स है ना कि आपने नंबर 3 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, इनको दोबारा से एक दफ़ा से करवा देना चाहिए। नंबर थ्योरी में ना ये टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा टच है, मतलब नंबर थ्योरी में इनको थोड़ा सा डिस्कस किया गया, इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास ये एक्सरसाइज के यूज़ होंगे ये सारे टॉपिक्स, तो इनको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। और क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ये टॉपिक्स, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें जो है एमसीक्यूज पार्ट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलें जी, अब जरा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम करेंगे आइलर फाइव फंक्शन। आइलर फाइव फंक्शन क्या होता है? फॉर ए बी जो कि बिलोंग करें के नेचुरल नंबर्स में से, लेट ए बी डिनोट द एचसीएफ और जीसीडी ऑफ ए बी, थस 8 15, 8 और 15 का जीसीडी जो है वो 1 है, वाइल 9 और 15 का जीसीडी 3 है। आल्सो ए इज सेट टू बी को प्राइम टू बी, ए जो है को प्राइम होगा बी के और वाइस वर्सा इफ दिस। जी, को प्राइम जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जो दोनों का जीसीडी है वो 1 आ रहा है, ये दोनों ही ये प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम जब दोनों ही प्राइम है। इसी तरह से ट्विन प्राइम हमने पढ़ा होगा नंबर थ्री में, ये चीजें अभी थोड़ी सी डिस्कस की होंगी। ठीक है, मतलब कि दोनों का जीसीडी जो है वो प्राइम, दो प्राइम नंबर्स का जीसीडी हमेशा 1 होता है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पर ये जो 9 और 15 है इनका जीसीडी क्या है? 3 है। हाउ मेनी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स विद एन आर देयर बिटवीन 1 और n? रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, प्राइम विद एन देयर आर, एन आर देयर बिटवीन 1 और n, 1 और n के बिटवीन जो रिलेटिव प्राइम नंबर है ना उनको फाइंड किया जा सकता है हमारा आइलर फाइव फंक्शन से। टू आंसर द क्वेश्चन द स्विस मैथमेटिशियन आइलर इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग नोटेशन नाउन एज अ आइलर फंक्शन। इसको हम आइलर फाइव फंक्शन, फाइव फाइव यूज कर रहे हैं, इसके डोनेशन नोटेशन के लिए फाइव यूज हो रहा है, इसको हम आइलर फाइव फंक्शन बोलेंगे। ये आइलर नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारे पास फाइव फंक्शन है, फाइव फंक्शन किस तरह से, फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेट फाइव एन जगह डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स को बिटवीन 1 एंड n। फाइव जो कि हमारा नंबर ऑफ इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है जो 1 और n के बिटवीन है, विच आर को प्राइम टू n, जो कि को प्राइम है n से, देन फाइव ऑफ n इज कॉल्ड द आइलर फाइव फंक्शन। जो फाइव ऑफ एन है ये हमारे पास आइलर फाइव फंक्शन है। इट प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल। जी, इसमें फर्दर आगे इस तरह करते हैं, इसके अंदर जो है ना आइलर फाइव फंक्शन के अंदर सिंपली जो हमारे पास यहाँ पर रूल यूज हो रहा है वो ये होता है कि इंटीजर जो होंगे 1 और n के बिटवीन, वो इंटीजर्स जिनका जीसीडी उस नंबर के साथ 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब वो उसके ऑपोजिट होंगे। जैसे 1 के साथ अगर हम 1 का जीसीडी लेंगे तो वो 1 आएगा, तो 1 जो है वो सिर्फ 1 है। अगर हमारे पास नंबर जो है वो 2 है, तो अगर हम 2 नंबर का जीसीडी लेते हैं, देखिए 1 के साथ तो वो 1 है, अगर हम 2 नंबर का 2 के साथ जीसीडी लेंगे तो वो 2 हो जाए, ठीक है। एंड ये सेंटर में जो एक्स नंबर है ना वो इससे लेस और इसके बिटवीन बिटवीन आना चाहिए, मतलब लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है 1 और दिस। जैसे अब 3 नंबर जो है, 3 नंबर का जब हम जीसीडी लेंगे 1 के साथ और 2 के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यही जीसीडी जो है 3 के साथ लेते हैं, जैसे हम 3 का जीसीडी ले रहे हैं जी, 3 जीसीडी 3, तो ये इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो हमारी कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी। तो हमारी कंडीशन तो ये है कि जीसीडी क्या है, 1 है। इसी तरह से 4 के लिए 1 और 3, तो ये जो जीसीडी के साथ आ रहे हैं ये सारे आइलर फाइव फंक्शन बनते जा रहे हैं। अब जब बी प्राइम नंबर होगा, ये चीज आपने याद रखनी है, जब बी प्राइम नंबर होगा तो जो आइलर फाइव फंक्शन होगा ना वो उसमें से एक माइनस कर दें, उतनी क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर जो होता है ना उसका आपके पास हर नंबर के साथ जीसीडी हमेशा 1 ही होगा, सिवाय वो इटसेल्फ, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्यों? प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिवाइड होता है, एक 1 और एक इट सेल्फ, इसका कोई भी थर्ड नहीं होता। अगर किसी नंबर का थर्ड डिवाइजर आ जाता है तो वो कंपोजिट हो जाता है, वो प्राइम नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जहां पर 5 जो है वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के जो हमारे पास आइलर फाइव फंक्शन आएंगे वो 5 माइनस 1 मीन्स 4, 6 जो है क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो इसके जो है 1 और 5, अब 7 जो ये भी प्राइम नंबर है तो इसके 6 आएंगे। इसी तरह से हमारे पास 9 10 11 प्राइम नंबर होगा तो 11 माइनस 1 10, इसी तरह से 13 प्राइम नंबर है तो 13 के आपके 12 है,
इसी तरह से आपकी बाकी जो है वो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो उनके हमने वो नंबर्स ले लिए हैं जिनका जीसीडी जो है वो 1 आएगा उस नंबर के साथ, वो नंबर्स जिनका जीसीडी अगर हम उस नंबर एन के साथ लेंगे तो वो 1 आएगा, तो वो आयलर फंक्शन में आ जाएंगे जी। मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन जो है, फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ मल्टीप्लीकेटिव। ये जो पॉजिटिव एफ जो इंटीजर्स हमारे डिफाइन हो रहे हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव बनाएंगे फंक्शन कब, इफ एफ ऑफ एम एन इज इक्वल है एफ एम इंटू एफ एन, वेर एज एम और एन का जीसीडी क्या होगा, वो 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन, अब मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं, वो है टा ऑफ एन, सिग्मा ऑफ एन और फाई ऑफ एन, फाई आइलर फाई आर आर मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, ये तमाम के तमाम मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है जी, ये तमाम के तमाम जो है ये मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है। आगे कंटिन्यू करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स जी। फंडामेंटल थ्योरम जो है ये इस पे आते हैं, प्राइम नंबर्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो हमेशा प्राइम नंबर से बनते हैं। अब इसमें जो जी ये जो चीजें ना, ये बड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आप करें, तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ना, तो वो नंबर जो है ना, वो नेचुरल नंबर, वो कोई भी नेचुरल नंबर है, हमने ले लिया जी 4 नेचुरल नंबर ले ली, तो 4 किस तरह से बनता है, 4 बनता है 2 × 2, 2 क्या है प्राइम नंबर, ये भी 2 क्या है प्राइम नंबर। अगर हम लेते हैं जी 3 नंबर, तो 3 जो है ये किस तरह बन रहा है, 3 × 1 बन रहा है, तो 3 आपके पास क्या है जी प्राइम नंबर है, ठीक है। हमारे पास ये जो नेचुरल नंबर है ना, ये जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं वो प्राइम नंबर है, मतलब कि हमारे बहुत सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बन रहे हैं। आपने छोटी क्लासेस में जब एलसीएम का रूल यूज किया था, जैसे हम जब भी एलसीएम लेते थे इस तरह से किसी भी टर्म का, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता था 2, सेकंड प्रायोरिटी अगर 2 नहीं है तो 3, उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी 7, उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी 5, 7, तो ये हमारी जो प्रायोरिटीज थी ना, ये सारी प्राइम नंबर्स वाले नंबर्स होते थे जिनको हम चूज करते थे। तो इसी रूल को यूज करते हैं कि कोई भी नंबर जो है ना नेचुरल नंबर, उसके अंदर प्राइम नंबर्स मस्ट भी मौजूद होते हैं, वो नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर्स को कंबाइन करने से बनता है जी। इसके ऊपर फर्दर आगे मूव करते हैं, दिस कैन बी सीन इन द फॉलोइंग रिजल्ट नाउन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इस रिजल्ट को हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहते हैं, फॉर एवरी एन जो कि बिलोंग करे नेचुरल नंबर में से, एन ग्रेटर देन होगा 1 से, एन नेचुरल नंबर जो होगा वो ग्रेटर देन है 1, क्यों, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है जी। अब यहाँ पर ये लॉजिक है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है जी, जो एन जो है ना प्राइम नंबर हमारे पास क्यों नहीं है, एन देखिए, एन जो है ना नंबर 1, एन अगर हमारे पास 1 होता है ना, वो प्राइम नहीं है। इसकी रीजन ये कि 1 जो है ना, इसके 2 डिवाइजर नहीं है, इसका सिर्फ एक डिवाइजर है, वो है इटसेल्फ, इटसेल्फ कह लें या 1, तो वो दोनों एक ही है, 2 डिवाइजर नहीं है। प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन है कि उसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर हो। पॉजिटिव डिवाइजर का वर्ड इसलिए यूज किया गया कि पॉजिटिव 2 होंगे, 2 नेगेटिव होंगे, तो क्योंकि जब बेसिक्स में पढ़ाया जाता है ना प्राइम नंबर्स को, तो नॉर्मली सिंपली कहा जाता है कि 2 पॉजिटिव डिवाइजर होंगे। अगर हम पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात नहीं करते तो वो 4 पॉजिटिव डिवाइजर हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, तो इसके जो डिवाइजर्स होंगे ना, 2 के डिवाइजर्स हमारे पास, एक तो 2 है, एक माइनस 2 है, और एक 1 है और एक माइनस 1 है, तो इसके तो 4 डिवाइजर्स हो गए, तो ये तो प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 4 डिवाइजर्स है। अब 4 वही है जो एक दूसरे के क्या है, माइनस में उलटा, लेकिन नॉर्मली जो इसके लिए डेफिनेशन यूज होती है वो 2 की यूज होती है। आपने कहना है इसके 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स, तो 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट और इवन नंबर होता है वो हमारे पास होता है 2, सबसे स्मॉलेस्ट और इवन प्राइम नंबर 2 है, और 2 जस्ट ओनली 1 नंबर है जो इवन है, और वो प्राइम नंबर भी है और वो इवन नंबर भी है, ठीक है। प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट में से अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 है। नेक्स्ट है जी, इसी को कंटिन्यू करते हैं, देयर एग्जिस्ट प्राइम नंबर्स। यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो किस तरह से होंगे, P1 < P2 < यहाँ पे P3 आना है, ये गलत बाय मिस्टेक ये इस तरह से लिखा गया है, सच दैट n इज इक्वल है P1 P2 P3 so on PK। तो ये हमारे पास जो है n जो है ये P1 P2 so on ये P3 और ये PK तक जा रही है टर्म्स हमारी, ठीक है।
आल्सो इफ द फैक्टर्स, अभी जो फैक्टर्स होंगे, अब ये देखें, अब ये जो ये चीज है ना, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि 4 = 2 × 2 मीन्स 2 जो है वो डबल टाइम आ रहा है. तो आल्सो इफ द फैक्टर P1 अकर M1 टाइम, जो P1 फैक्टर है वो अकर होगा M1 टाइम, तो P2 जो है वो अकर होगा M2 टाइम एंड सो ऑन, PK जो होगा अकर होगा MK टाइम. देन द थ्योरम कैन बी डिफाइंड एज, जी तो ये हमारे पास इस तरह से करोगे, देन द थ्योरम कैन बी डिफाइंड एज, जो थ्योरम डिफाइंड हो रहा है वो होता है एन इज इक्वल है P1 M1 P2 M2 PK MK, मीन्स प्राइम नंबर और जितने टाइम वो अकर हो रहा है वो उसकी पावर में आ जाएगा. और तो ये इज इक्वल है, ये प्रोडक्ट का सिंबल यूज होता है, प्रोडक्ट I इज इक्वल है 1 to K और PIMI एंड सच अ फैक्टराइजेशन इज यूनिक. और ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये यूनिक होती है, ये हर नंबर की अपनी होती है. इफ वी डिसग्रेटेड द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर, अगर हम जो ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर है उसके लिए हाथ से चलते रहे. नेक्स्ट जो है आयलर फाइव फंक्शन को फर्दर किया गया है कि आयलर फाइव फंक्शन जो होगा इज अ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, एक मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है. तो आयलर फाइव MN इज इक्वल है फाइव ऑफ M और फाइव ऑफ N, अगर दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. इसी तरह से आयलर फाइव फंक्शन में अगर उन दोनों का GCD क्या है, 1 आ रहा है, अगर उन दोनों का GCD कोई नंबर H आ रहा है तो हमने उनके जो फंक्शन अदा करना है उसको H से मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह से अगर हम आयलर फाइव ले रहे हैं किसी प्राइम नंबर की पावर I, तो ये किस तरह से, अगर P ऑफ I माइनस P ऑफ I माइनस 1, तो फॉर और अ प्राइम पी एंड एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर जो है जो उसकी पावर में आई, वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए. नेक्स्ट जो है यही थ्योरम को जरा देखते हैं, ये थ्योरम 3.2.5 कि आयलर फाइव फंक्शन को सॉल्व किस तरह से करना है. थ्योरम है लेट एन जो कि बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में से, एन जो होगा वो ग्रेटर होगा 1 से. देयर एग्जिस्ट प्राइम, यहाँ पर जो प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेंगे प्राइम्स P1 less than P2 less than P1, यहाँ पे P3 आना है, so less equal to PK, such that the factor P1 occur M1 time, P2 occur M2 time and so on. जिस तरह से ऊपर कंडीशन थी कि जो हमारे प्राइम नंबर है ये इतने इतने टाइम्स अकर हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके टाइम्स हमने इस तरह से लिखना है, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है. तो फाइव ऑफ एन फाइंड करना है तो हमने किस तरह से करना है, एन एन जो आपका नंबर है आपने वो लिखना है नंबर, उसके बाद 1 - 1/P1 जो हमारा फर्स्ट प्राइम होगा, 1 - 1/P2 जो सेकंड प्राइम होगा, अप टू सो ऑन जो लास्ट प्राइम नंबर होगा हमारे पास. और इन सबको सॉल्व करके इनको मल्टीप्लाई करना है और जो एन नंबर है उसके साथ आपने सॉल्व करना है. ये जो है ये हमने नंबर थ्योरी में ऑलरेडी ये थ्योरम जो है ना ये इस तरह से इसको प्रूव किया हुआ है, ये वही है, इसको प्रूफ जो है अपने ये पहले किया हुआ है, इसलिए मैं इसका प्रूफ दोबारा से नहीं करवा रही हूँ. अब यहाँ पर ये जो है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ आयलर फाइव फंक्शन ऑफ 100, आयलर फाइव फंक्शन ऑफ 300, तो ये जो है ये MCQs में भी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए इनको ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर भी यूज हो सकते हैं. तो फाइव ऑफ 100, तो फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100. सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 100 के, जी 100 के जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 100 सबसे पहले हमने सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50. उसके बाद फिर से हम प्राइम नंबर से करेंगे तो ये 25, फिर हमारे पास ये 5 और ये 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे 2 × 2 × 5 × 5 मीन्स 2 पावर 2 और 5 पावर 2 मीन्स हमारा जो P1 है वो 2 है और P2 हमारे पास 5 है. अब जो P1 है वो M1 टाइम, M1 मीन्स हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, और P2 जो है वो भी हमारे पास M2 टाइम मीन्स 2 टाइम आ रहा है. एंड एन यूजिंग द अबव थ्योरम वी गेट, अब हम जब अबव थ्योरम को यूज करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, फाइव ऑफ एन, ये थ्योरम लिखा गया, आपने किसी तरह से थ्योरम की डेफिनेशन रेफरेंस दे देना है. जो थ्योरम है वो इस तरह से, फाइव ऑफ एन इज इक्वल है P1 पावर M1 P2 पावर M2 सो ऑन P के पावर M K एंड 1 - 1/P1 1 - 1/P2 सो ऑन 1 - 1/PK. जी फाइव ऑफ 100 इज इक्वल है, तो P1 हमारे पास है 2, उसकी पावर है M1 मीन्स 2 जो उसकी पावर में आ रहा है. इसी तरह से P2 और ये 1 - 1/2 1 - 1/5 अप टू दिस, इसको सॉल्व कर लिया. इसी तरह से नेक्स्ट है आयलर फाइव फंक्शन ऑफ
300 के लिए. अब नेक्स्ट जो ये एग्जांपल नंबर 45 है, ये थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल है. मैं इसका जो मेन थीम है ना वो थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, बाकी ये इजी आप कर लेंगे. इसके अंदर पूछा गया है, डज देयर एग्जिस्ट एन एन जो कि ने बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, सच दैट फाइव ऑफ एन इज इक्वल है 14. कि ऐसा कोई नंबर हम बताएं अगर वो एग्जिस्ट करता है कि जब हम उसका आइलर फाइव फंक्शन पॉइंट करें तो वो हमारे पास 14 है. मीन्स वो फंक्शन जो है ना आइलर फाइव फंक्शन, वो हमारे पास 14 आए. हमने जस्टिफाई करना है आंसर को. तो फर्स्ट हमने कहा कि जो 14 होगा इसके हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर वो 2 × 7 है. तो आइलर फाइव फंक्शन जब प्राइम नंबर के लिए होता है तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये यूज होगा. तो फर्स्ट हमने केस लिया कि अगर हमारे पास जो है ना पी जो है वो 2 हम यूज कर रहे हैं, तो पी 2 करने से हमारे पास जो बन रहा है ना फाइव फंक्शन का वो बन रहा है 2 पावर i - 1 और 14. तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम इसमें पुट करें तो ये 14 के इक्वल आ जाए. हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है जिसको हम पुट करने से ये 14 ले आ सकते हैं. ठीक है, देखें अगर हम इसमें करते हैं, लेट हमने 3 पुट कर दिया है, 3 - 1 - 2 तो 4 हो गया. अगर हम इसमें 4 पुट करते हैं तो 4 - 1 - 3 - 8 हो गया. तो ये हमारे पास जो देखें 8 के बाद हम नेक्स्ट नंबर 5 पुट करेंगे तो ये 16 हो जाएगा. 14 नहीं आएगा किसी भी तरह हमारी पॉसिबिलिटी. अगर हम देखें 5 पुट करेंगे तो ये आगे 4, 5 और ये अप टू सो ऑन इंक्रीज होता जाएगा, 16, 32, 64, 72, लेकिन 14 नहीं आएगा. 14 आने के चांसेस कोई नहीं है. तो देयर इज नो इंटीजर आई एग्जिस्ट सच दैट कि जिसको पुट करने से ये 14 आ जाए, इज सैटिस्फाइड. इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो पी है वो 7 है, उसको भी हमने वही फॉर्मूला यूज किया, ये वाला सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 6 × 7 - i - 1. अब 6 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 तो आ ही नहीं सकता. हम अगर i को 1 भी पुट कर देते हैं, हम अगर 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा. अगर हम इसको 2 पुट करते हैं तो हमारे पास भी क्या बचेगा, 7, 7 × 6, ये हमारे पास कभी भी 14 नहीं होता है. तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 46. एग्जाम्पल नंबर 46 जो है इसमें भी 2 केसेस दे दिए गए, एक ऑड नंबर का केस दे दिया गया, एक इवन नंबर का दे दिया गया. जो इसके अंदर जो मेन ट्रिक है कि जब ऑड नंबर की बात होगी देखें तो 2 के साथ उसका जीसीडी 1 होना चाहिए. अगर तो 2 के साथ उसका जीसीडी 1 आ रहा है तो मतलब वो ऑड नंबर है. अगर उसका जीसीडी 2 के साथ 1 नहीं आता तो वो इवन नंबर है. होपफुली ये एग्जाम्पल भी ईजी है, आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे. जी नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 47 पे. जी फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 600 इंक्लूडिंग 1 एंड 600. हमने पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड करने हैं 600 के, जो के आपके पास 1 और 600 के बिटवीन रहें. ठीक है, हमने पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड करने हैं और उसके अंदर 1 और 600 भी इंक्लूड होंगे. तो वी मेक द प्राइम फैक्टर. सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे 600 के, तो वो हमारे पास ये बन जाएंगे, आर द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 600. ये हमारे पास जी इसके फैक्टर्स हैं. अब जो भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा होगा ना वो इसी फॉर्म में होगा. देखिए जैसे कि इसको 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारे पास, हम 2 को लिख सकते हैं, 2 इसका जी डिवाइजर है, एक 2 पावर 1 3 पावर 0 5 पावर 0. तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास 2 बन गया. m जितने भी वो कह रहे हैं पॉजिटिव डिवाइजर्स है ना, m वो हमारे पास इस फॉर्म में लिखे जा रहे 2 पावर a 3 पावर b और 5 पावर c. अब a b c के भी हमें पता है कि मैक्सिमम क्या है. a जो है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है, b मैक्सिमम 1 हो सकता है और c मैक्सिमम 2 हो सकता है. अब देखिए हियर a b c जो है आर इंटीजर्स विद द कंडीशन, इन पे कंडीशन है a जो है वो 0 और 3 के बिटवीन रहेगा, b जो है वो 0 और 1 के बिटवीन और c जो है वो 0 और 2 के बिटवीन रहेगा. फ्रॉम हियर वी ऑब्जर्व दैट a इज इक्वल एज 0 1 2 3 एंड b इज इक्वल एज 0 1 एंड c इज इक्वल एज 0 1 2. तो ये हमारे पास जो ऊपर नंबर्स हैं वो हमने पॉसिबिलिटीज बता दी हैं. तो a इंटीजर की चॉइस हमारे पास 4 है, बी इंटीजर की चॉइस हमारे पास 2 है, इसी तरह सी इंटीजर की चॉइस हमारे पास 3 है. तो टोटल जो हमारे पास पॉजिटिव डिवाइजर बनेंगे वो इसके 24. एक तो ये रूल है और दूसरा एक अल्टरनेटिव रूल है जो कि ज्यादा इजी है कंपैरेटिव रूल. दिस रूल आप अल्टरनेटिव रूल कर लें, इसमें हमारा टा फंक्शन यूज होगा. टा फंक्शन जो है वो ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, ऊपर वाली जो इससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया और आपने टा फंक्शन को नंबर थ्योरी में डिटेल में पढ़ा हुआ है. नंबर थ्योरी जो था आपने थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने टा फंक्शन पढ़ा हुआ. टा फंक्शन जो होता है, टा ऑफ एन इज इक्वल होता है m1 + 1 और m2 + 1 और m3 + 1.
अब यहाँ पे M1, M2, M3 क्या होते हैं, ये आपके जो प्राइम नंबर्स की पावर्स होती हैं वो होती हैं। अब ये प्राइम नंबर्स की पावर फर्स्ट 3 है, फिर हमारी 1 है, फिर हमारी 2 है, तो ये इसके 24 मींस इसके पॉजिटिव डिवाइस करके हैं 24। ये जो जैसे ये क्वेश्चन है तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एक दफा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लें। नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ, हमने पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड करने हैं हमारे पास जब 10 पावर 40 और 20 पावर 30 होगा। जी इसके इस एग्जाम्पल में बता दिया गया है कि जो नंबर ऑफ कॉमन पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे 10 पावर 40 और 20 पावर 30 के हमें वो फाइंड करने हैं। तो वही मेक प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 पावर 40 एंड 20 पावर 30, तो इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए 10 पावर 40 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 5 × 2, इसी तरह से 20 के 5 × 2 × 2, तो ये इनके प्राइम फैक्टर्स किए हुए हैं। ठीक है, अब इनके प्राइम फैक्टर्स जो किए हैं उसमें से देखिए, अब जो 20 के प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये हैं, तो अब दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो हमारे पास कौन से आ रहे हैं, 5 पावर 30, देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, और 2 पावर 40। तो अब यहाँ पर हमारे पास P1 क्या है वो 5 है, M1 हमारे पास क्या है 30, P2 हमारे पास 2 है और M2 40। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर फाइंड करेंगे टाउ ऑफ एन से। टाउ ऑफ एन जो है ना वो कंपैरेटिवली दूसरे मेथड से इजी है, तो हमने टाउ ऑफ एन में ये वैल्यूज पुट किया और हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स आ गए। जी नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 49, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सच दैट द एलसीएम ए बी इज इक्वल टू 2 पावर 3 × 5 पावर 7 × 11 पावर 13। तो हमारे पास जो हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे अगर पॉजिटिव इंटीजर आपके पास आ रहे हैं ए बी, ए बी जो इंटीजर है उसका जो एलसीएम गिवन है वो हमें गिवन है 2 पावर 3 × 5 पावर 7 × 11 पावर 13। तो वी नो दैट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए बी विल बी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर फ्रॉम ए एंड बी। हमें पता है जो एलसीएम होता है ना वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों को मिला के बनता है, मतलब कि ये जो हमारी टर्म है ना इस टर्म के अंदर, ये जो हमारी टर्म दी गई है इस टर्म के अंदर इसके कॉमन फैक्टर्स भी है, इसके जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो भी हैं। तो गिवन दैट एलसीएम जो होगा ए बी इज इक्वल है 2 पावर 3 × 5 पावर 7 × 11 पावर 13। Thus, the factors of A may be of the form. अब जो A के factors होंगे वो किस form में होंगे, देखें A और B दो numbers हैं, दोनों का LCM है, मतलब दोनों numbers होंगे वो different भी तो हो सकते हैं कि ये उनमें से जो है common निकल रहे हैं numbers, ये इस तरह से आ रहे हैं या ये common नहीं आ रहे हैं, इस तरह सीक्वेंस बन रही है। A is equal to 2 power x into जो है हमारे पास देखें A is equal to 2 power x into 5 power y into 11 power z एंड द फैक्टर ऑफ बी मे बी ऑफ द फॉर्म। अब जो बी के फैक्टर बनेंगे वो 2 पावर p × 5 पावर q × 11 पावर r। सो द कॉमन एंड नॉन कॉमन पार्ट फ्रॉम 2 पावर x 2 पावर p। अब जो कॉमन पार्ट होंगे और नॉन कॉमन पार्ट होंगे 2 पावर x और 2 पावर p से, क्योंकि इनके जब हमने दोनों को किया है एलसीएम, हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आ रहा है, जो मैक्सिमम आ रहा है x और p में से, वो क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है द कॉमन और नॉन कॉमन पार्ट फ्रॉम 5 पावर y एंड 5 पावर q, तो मैक्सिमम y और q का हमारे पास क्या आ रहा है वो 7 आ रहा है, ये जो पावर्स दी हुई है। इसी तरह से जो 11 पावर z और 11 पावर r का मैक्सिमम पार्ट आएगा वो हमारे पास 13 आएगा। नाउ द ऑर्डर्ड पेयर, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे ना वो किस तरह से बनेंगे, कंडीशंस देखें ऑर्डर्ड पेयर के लिए x और p, सबसे पहले हमारे पास x और p का जो मैक्सिमम नंबर आएगा वो 3 आएगा, मतलब कि इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो 3 होगा। इट मींस एक भी 3 हो सकता है, पूरा भी 3 हो सकता है, अगर 4 हम लेते हैं तो वो तो मैक्सिमम 4 हो जाएगा। हमें इस कंडीशन को फुलफिल करना है, अब ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ए बी के ऑर्डर पेयर देखें किस तरह से बन रहे हैं हमारे, 3 0 इसमें मैक्सिमम 3, 3 1 इसमें मैक्सिमम हमारे पास 3, 3 2 मैक्सिमम हमारे पास 3 है, 3 3 अब भी मैक्सिमम 3 है, 0 3 अब भी मैक्सिमम नंबर 3 है, 1 3 अब भी मैक्सिमम नंबर 3, 2 3 अब भी मैक्सिमम नंबर हमारे पास 3 है। इसी तरह से हमारी आ जाए जी y और q के ऑर्डर्ड पेयर पे, तो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए 7, मतलब के हर ऑर्डर्ड पेयर में 7 तो मस्ट है, एक जगह पे या वो एक ही जगह पे होगा या वो बी की जगह पे होगा, 7 नंबर मस्ट होगा, एक दफा भी हो सकता है दोनों का भी हो सकता है। जी आ जाए जी ऑर्डर्ड पेयर आल्सो यूजिंग द क्यू वाई क्यू पेयर ए बी इज इक्वल है 7 0 7 आ रहा है, 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 0 7
17, 27, 37, 47, 57 और 67. अब हर एक ऑर्डर्ड पेयर में से हम 7 जो है वो मैक्सिमम नंबर ले रहे हैं. 7 से मैक्सिमम कोई भी नंबर नहीं है किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में. जी नेक्स्ट मूव कर रहे हैं. इसी तरह से हमारे पास ये जो एक्स पी है टोटल ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे 7 बन रहे हैं, और वाई और क्यू जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो 15 बन रहे हैं. तो फर्दर हमारे पास जी और आर जो होंगे ना, फर्दर यूजिंग जी और आर, इनके पेयर्स हमारे पास जो ए बी के देखें वो किस तरह है. हमारा जो मैक्सिमम नंबर दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, वो हमें दिया गया है 13. तो हमारा मैक्सिमम 13 हर एक में होगा, और 13 से जितने भी बिलो वाले होंगे वो सारे आ जाएंगे 13, 0, 13, 1, 13, 2, 13, 3, 13, 4, up to 13 into 30. फिर 0 से 13, फिर ये 12 टू 13, ये भी आपका आएगा, क्यों 13 13 जो है वो रिपीट हो जाएगा. तो ये हमारे पास 27 ये आ रहे हैं. तो हेंस द नंबर ऑफ पेयर सिलेक्टेड फ्रॉम एक्स पी इज इक्वल है 7, तो नंबर ऑफ पेयर सिलेक्टेड फ्रॉम वाई क्यू इज इक्वल है 15, एंड नंबर ऑफ पेयर सिलेक्टेड फ्रॉम जी आर इज इक्वल है 27. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो टोटल नंबर आ रहे हैं वो हमारे पास ये आ रहे हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करने से जो आ रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नाउ वी कंसीडर अनदर एप्लीकेशन व्हिच हेल्प टू फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉल्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल हूज साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द इक्वल नंबर ऑफ सब डिवीजन. अब नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हमें वो हेल्प करेंगी एक पैरेललोग्राम की इक्विलेटरल ट्रायंगल को फाइंड करने में. इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आपने पढ़ी हुई है, पैरेललोग्राम भी आपको पता है क्या होती है, ठीक है. वो साइड्स जिनकी साइड्स जो है ना उनको हम डिवाइड कर रहे हैं इनटू इक्वल नंबर ऑफ सब डिवीजन, कि उस ट्राइंगल की साइड्स को हम जो है वो इक्वल नंबर ऑफ सब डिवीजन में डिवाइड करें. जैसे कि ये हमारी ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स में. इस तरह से वो डिविजन्स किस तरह से वो फर्दर डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को लेके. जी फॉर एन जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में से द एंथ सब डिविजन, जो उसकी एंथ सब डिविजन होगी ना, अगर उसकी सब डिविजन जो हम कर रहे हैं जो उसकी एंथ सब डिविजन होगी ना ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी की इज अ कॉन्फिगरेशन ऑब्टेन्ड बाय, तो अगर हम उसको कॉन्फिगरेशन करेंगे तो वो कहाँ से ऑब्टेन होगी. अब देखें डिवाइडिंग बाय ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इंटू एन प्लस वन पार्ट इक्वल पार्ट बाय एन पॉइंट, कि जितने भी पॉइंट हमें दिए गए हैं उसके प्लस वन पार्ट होंगे. मतलब उतने टाइम अगर हम उस चीज को डिवाइड कर रहे हैं ना, देखें ये सिंपली अगर मैं आपको ये रियल लाइन पे चीज समझाऊं ना तो ये इस तरह से होती है. देखें हमारे पास ये है, अगर हम इसको टू पार्ट थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए हमने इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया तो इसके टोटल कितने पार्ट बन गए, इसके हम फोर पार्ट बन गए. क्योंकि ये कह रहा है कि डिवाइडिंग बाय ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इनटू एन प्लस वन इक्वल पार्ट बाय एन पॉइंट्स, एन पॉइंट को यूज करते हुए उसके हमने एन प्लस वन इक्वल पार्ट्स बना दिए. कि जब हमने ट्राइंगल को डिवाइड किया है, ट्राइंगल्स की साइड्स को हमने डिवाइड किया है, तो वो हमने तीन को किया है, मतलब तीन इस तरह से किया है, तो ये जो है ये उसके एन प्लस वन बन जाएंगे पार्ट्स. अब ये जो डिवीजन की गई है इस तरह से नहीं की गई, मैंने सिंपली बताया कि ये इस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, तो लेकिन ये जो होगी ये थोड़ी सी और तरह से शो होगी, वो आपको नीचे जाके दिखाई देगी फिगर में जो उन्होंने ड्रॉ की हुई है उसमें. तो अगर इस पॉइंट को समझना है कि एन प्लस वन क्यों है, तो वो ये रियल लाइन की एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है इसके लिए. नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग थ्री एन लाइन सेगमेंट टू ज्वाइन द थ्री एन पेयर ऑफ सच पॉइंट ऑन एडजेसेंट साइड सो द लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. अब आपने ऐड करनी है तीनों लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन करेंगी थ्री एन पेयर्स ऑफ सच पॉइंट्स ऑन द एडजेसेंट साइड्स, कि जितनी भी एडजेसेंट साइड्स होंगी उनको लाइंस ज्वाइन करेंगी, और क्या होगा एडजेसेंट साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो पैरेलल आ जाएंगी वो थर्ड साइड की पैरेलल आ जाएंगी ऑफ द ट्रायंगल इफ जी एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड इन दिस वे. अगर जी एन जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम ये जो नंबर ऑफ वेज बताए जा रहे हैं इन नंबर ऑफ वे से ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, तो हमारी जो पैरेललोग्राम है वो कैसे बनेगी, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सच पैरेललोग्राम इज गिवन बाय, तो इससे जो बनने वाली पैरेललोग्राम है वो किस तरह से हमारी बनेगी, वो कितनी बनेंगी वो बताया जा रहा है. जी ऑफ एन इज इक्वल है 3 इंटू एन प्लस 3 ओवर 4.
अब जरा ये जो रूल्स है ना इनको थोड़ा सा मैं नीचे देखती हूँ, इस यहाँ पे फिगर ड्रॉ की गई है इसमें किस तरह से। जैसे देखें अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स लिए हमने, जो के पहला हमारे रूल क्या था कि हमने 3 पॉइंट्स लेने जो कि इसको इक्वली डिवाइड कर रहे होंगे, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट्स है ना ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि हमने ऐड करनी है 3n। देखें एडिंग 3n लाइन सेगमेंट टू ज्वाइन द 3n पेयर ऑफ पॉइंट्स सच दैट एडजेसेंट साइड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि हमने वहां पर जो लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन कर देनी है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाए। जैसे अब हमने ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन की तो ये थर्ड लाइन है जिसके ये पैरेलल है, इसी तरह से ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन की तो ये थर्ड लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन की तो ये थर्ड लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पर कितनी इक्विलेटरल बन रही है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, पैरेललोग्राम कितनी बन रही है हमारे पास, उसको फाइंड करने के लिए जो मेथड है वो जी ऑफ एन हमें गिवन है। अच्छा जी, अब एग्जांपल नंबर 15 पे आते हैं। 50 पे फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी बाय डिवाइडिंग ई साइड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू पॉइंट्स एन वन पॉइंट एंड ज्वाइनिंग दिस एन वन पॉइंट इन द ऑपोजिट साइड सच दैट द लाइन सेगमेंट आर पैरेलल टू द थर्ड साइड देन। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास जो लाइन सेगमेंट है ना वो थर्ड लाइन को ज्वाइन करती होगी, कब, जब एन इज इक्वल टू 1 होगा, एन इज इक्वल टू 2 होगा और एन इज इक्वल टू 3 होगा। हमें ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं जिनको यूज करते हुए हमने बताना है कि कितनी हमारे पास जी पैरालीलोग्राम फॉर्म होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला तो सिंपली ऊपर गिवन है, हमें सिंपली उस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाना है जी। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला में एन की जो वैल्यूज है उनको पुट करते जाना है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 वी हैव जी 1 इज इक्वल है 3 इंटू 1 प्लस 3 और 4, और 3 4 4 इज इक्वल है 3। इसी तरह से फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए और फॉर एन इज इक्वल टू 3 के लिए, तो कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन इज इक्वल टू 1 2 और 3, ये जो है इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो यहाँ पर शो कर दी गई हैं कि इसके अंदर एक बनाई है, इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बनाई हैं, तीन बनाई हैं, तो ये जो है इसको देख लें आप। नेक्स्ट जो है रूल हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी।